हेलो फ्रेंड्स, मैं इला शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मूनशाइन सेंसिवेरिया है, बहुत ही खूबसूरत है और इसकी ये पत्तियां देखिए, वेलवेटी बिल्कुल, और बहुत ऊंचा ये नहीं जाता है, ये बहुत ऊंचा नहीं जाता है, ये ऐसे ही रहता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और सेंसिवेरिया इसके संग में अगर आप रख देते हैं डिफरेंट वैरायटीज के, तो ये अलग ही शाइन करता है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द लीव्स। ग्रे ग्रीन सी इसकी लीव्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊं तो ये जो गमला है ना, ये देखिए पॉट बाउंड हो गया है, और ये देखिए यहाँ से ये क्रैक करके भी ये निकलने लग गए हैं। ये देखिए, ये सारा गमला जो है ना, ये टूट गया है, ये इतना पुशी हो गया है कि इसने यहाँ से भी ये पूरा गमला क्रैक हो गया है। और ये देखिए, ये सब इसके राइजोम्स जो हैं, ये इस तरह से बाहर निकल आए हैं। तो बहुत बुरी तरह से अब ये रिपोर्टिंग मांग रहा है। तो आइए अब इसको निकालते हैं, अलग करते हैं, और इसके कई सारे जो क्लम्प्स निकलेंगे उनसे हम और डिफरेंट पॉट्स तैयार करते हैं। इसको अलग करिए, निकालिए गमला, हटा के गमला। अब हम लोग को ऐसे तो निकलेगा क्या, तोड़ के ही निकालना पड़ेगा। ये देखिए, इसकी देख रही है जड़ें किस कदर पॉट बाउंड हो गई हैं। ये सब जो लाल लाल जड़ें हैं, ये सब अलग अलग हो गए हैं। तो अब एक एक करके हम इनको साइड से अलग करते जाएंगे। निकालिए, बहुत सारे इससे हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे। नहीं, इस तरह से अब हमें इसको बिल्कुल खाली करना पड़ेगा। इसकी जड़ें जो हैं क्लिंग कर गई हैं, तो थोड़ा सा खुरपी से छील के निकालो। तो मिट्टी चढ़ जाएगी सारी और ये अलग हो जाएंगे सारे जो हमारे राइजोम्स हैं। ये देखिए, इसके ये जो राइजोम्स हैं, ये पूरे ये हो गए हैं, इसमें बाहर को आ गए हैं। तो इनको एक एक करके अब हम सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए, दिखाने इसको कितना खूबसूरत बन के निकला है। ये दूसरा निकालो, ये वाला निकालो, ये वाला ये निकलेगा। देखो, काट दो उसको। हाँ, यहाँ से निकालो। ये देखिए, इस तरह से दोस्तों, ये सब इसके जड़ों के संग में, ये क्लम्प्स इसके साइड से आप निकालना शुरू करिए। बहुत सारे इसके ये तैयार हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, अब कितने सारे हमारे एक पौधे में से ये तैयार हो गए हैं। अब इनको हम जितने चाहे गमले में लगा के, गमलों में लगा के उतने ही गमले तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये मिट्टी तैयार है, ये सॉइल हमने तैयार करके रखी है, एकदम भुरभुरी बिल्कुल। इसमें थोड़ी सी हमने डाली है बजरी, ये जो काले काले आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये सब इसमें बजरी पड़ी हुई है, वो सामने वाइट वाइट थोड़ी सी जो है, और खाद है थोड़ी सी, गार्डन सॉइल है, बोन मील, नीम खली एंड 2 टीस्पून ऑफ एनी फंजिसाइड। तो ये हमारी बहुत ही पोरस और वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार हो गई है। अब हम लगाएंगे इसको ये 6 इंच के गमलों में गिट्टी डाल के। देखिए, इस तरह से अब हम लोग बिल्कुल ड्राई सॉइल है, इसको हम लगा लेंगे। लगाने के बाद पानी दे देंगे और बस, उसके बाद कई दिनों तक हमें पानी देने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जाड़ों का मौसम है, प्लास्टिक का गमला है, बहुत जल्दी गमला सूखता नहीं है। ये हमारे गमला तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, ये उन सब में से ये 3 कितने खूबसूरत गमले तैयार हो गए हैं। आप भी इस तरह से जो पॉट बाउंड हो जाते हैं प्लांट्स, उनको खूब सुंदर तरीके से अपने नए गमलों में लगा सकते हैं और पौधे की खूबसूरती बरकरार
रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।